हे फ्रेंड्स, आपने मेरी इस डेली यूज सेंटेंसेस की सारी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज मेरे व्यूअर्स की डिमांड पे मैं वोकैब पावर एनरिचमेंट वाले वर्ड्स की फर्स्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। वी विल लर्न इट विद द एग्जांपल्स। 25 वर्ड्स करेंगे हम। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप टू द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ रिफ्यूज़। ये बहुत इजी वर्ड है और आप रूटीन में इसे यूज़ करते ही हो। रिफ्यूज़ करना यानी मना करना। ही रिफ्यूज्ड मी टू टेक दैट बैग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्यूरियस। क्यूरियस यानी कुछ जानने के लिए आप उत्सुक हो। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो माई स्कोर। मेरे स्कोर जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आगे देखते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड करना यानी दिखावा करना। जैसे ही प्रिटेंड्स नॉट टू नोटिस स्टेन्स ऑन हीज शर्ट। उसके शर्ट के ऊपर स्टेन्स पड़े हैं, पर वो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसने वो देखे ही नहीं है। वो ऐसा ढोंग कर रहा है जैसे उसने वो देखा ही नहीं है। ओके, टेंडेंसी। टेंडेंसी यानी आदत। आई हैव अ टेंडेंसी टू सी एवरी थिंग इन अ पॉजिटिव वे। कोई भी सरकमस्टांस आते हैं तो मैं उसे पॉजिटिव वे में ही देखती हूँ या देखता हूँ, ऐसी मेरी आदत है। प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी स्पष्ट है, निश्चित है। बी श्योर टू टेक प्रिसाइज मेजरमेंट्स बिफोर यू कट द क्लोथ। आप कपड़ा काटते हो उसके पहले एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले लो। ओके, प्रिसाइज यानी एक्यूरेट कहा जाता है, निश्चित है, स्पष्ट है। एपेरेंट। एपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष, बट आप इंग्लिश में उसे समझो तो ऑब्वियस है। जैसे हम नहीं कहते कि ये चीज़ तो एकदम क्लियर है, विच इज़ वेरी क्लियर, विच इज़ ऑब्वियस। इट इज़ एपेरेंट दैट शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। वो तो दिख ही रहा है, वो तो ऑब्वियस है कि वो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। रेमेडी। रेमेडी मतलब उपाय। जैसे आपको कुछ भी हुआ हो, मान लो कि आपको कोल्ड है, तो फिर आप घर पे भी रेमेडीज़ करते हो ना, आप उपाय करते हो ना। जैसे आपने लेमन वाला वाटर पिया, वार्म वाटर, या बहुत सारे रेमेडीज़ आप करते हो, ठीक है। तो वो एक रेमेडी क्या होता है, उपाय करना। कोई भी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन करने के लिए आप जो उपाय करते हो उसे रेमेडी कहते हैं। देर आर मैनी होम रेमेडीज़ टू क्योर कोल्ड। कोल्ड को क्योर करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ है जिसका घर पे ही भी उपाय कर सकते हो। स्क्रू अप। स्क्रू अप करना यानी गड़बड़ कर देना। जैसे आई सेट अप एवरीथिंग राइट, मैंने सब सही किया था, बट ही स्क्रूड अप, पर उसने गड़बड़ कर दी। इमिटेट। इमिटेट करना यानी नकल करना। यू शुड नॉट इमिटेट एनीबडी। किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। इंसॉलेंट। इंसॉलेंट मतलब बदतमीज। हाउ इंसॉलेंट ही इज, वो कितना बदतमीज है। एबिलेंट। एबिलेंट मतलब बहुत ज़्यादा जोशीला, ऊर्जापूर्ण, उत्साही। ही वॉज वेरी एबिलेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। वो इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एबिलेंट हो गया था। अटायर। अटायर मतलब वस्त्र, कपड़े। आई डोंट फील जीन्स आर अप्रोप्रिएट अटायर फॉर वेडिंग। मुझे नहीं लग रहा है कि वेडिंग के लिए जीन्स अप्रोप्रिएट कपड़े है। गैरलेस। गैरलेस यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, जो बातूनी है, उसे टॉकेटिव भी कहा जाता है। यू स्पीक अ लॉट सिटिंग बिसाइड योर फ्रेंड, बिसाइड योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर गैरलेस। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बाजू में बैठ के तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम बहुत टॉकेटिव हो, यू आर गैरलेस। ही इज़ वेरी श्रूड एंड गैरलेस काइंड ऑफ पर्सन। वो बहुत श्रूड है। श्रूड है मतलब बहुत समझदार है, वाइज है, और गैरलेस है, बहुत ज़्यादा बातें भी करता है। श्रूड, अब हमने देखा ना अभी, श्रूड। श्रूड मतलब क्या, उसको श्रीड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, श्रूड। श्रूड मतलब बहुत ज़्यादा समझदार। ही इज़ अ वेरी श्रूड पर्सन। इट वॉज योर श्रूड स्टेप दैट यू डिडंट बाय दिस हाउस। तुमने ये घर नहीं खरीदा ना, ये तुम्हारा श्रूड स्टेप था। इट वॉज योर वाइज डिसीजन। टेनेशियस। टेनेशियस मतलब दृढ़ है।
आसानी से हार न मानने वाला, मतलब जो अपनी सोची हुई बात पे एक कायम रहेगा, वो मजबूत है अपनी, उसने जो भी डिसीजन लिया है उसके ऊपर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वॉज टेनेशियस, ही केम टू ऑफिस डेली। वो स्ट्रांग रहा, टेनेशियस रहा, वो ऑफिस रोज आया, बीमार था फिर भी। ही वॉज होल्डिंग माई हैंड टेनेशियसली, इसको आप एडवर्ब में भी यूज़ कर सकते हो। उसने मेरा हैंड टेनेशियसली पकड़ा, मतलब दृढ़ता से पकड़ा। ओके, फर्मनेस थी उसके, उसके माइंड में फर्मनेस थी। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सतही है, बाहरी है, ऊपरी है। यू हैव ओनली सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, आपको खाली ऊपर का ही नॉलेज है ये सब्जेक्ट का। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यू हैव ओनली सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, मतलब यू आर नॉट एक्सपर्ट एट इट। यू हैव गॉट ओनली सुपरफिशियल इंजरी, आपको बाहरी सतह पे ही चोट आई है, अंदरूनी नहीं है। मतलब यू हैव गॉट ओनली सुपरफिशियल इंजरी, या तो यू कैन से यू हैव गॉट ओनली सुपरफिशियल वुंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट। एलिगेंट मतलब आकर्षक है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत अट्रैक्टिव है। आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, प्लीज़ तो आप लाइक भी कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। प्रायर, प्रायर मतलब पहले। आई वॉज अ स्कूल टीचर प्रायर टू टीचिंग ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ाने से पहले स्कूल टीचर थी। प्रायर टू मतलब उसके पहले। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। टीडियस मतलब उबाऊ, बोरिंग। एक का एक काम करने से वो काम कैसा लगता है हमें, बोरिंग लगता है, तो वो टास्क को हम टीडियस कहेंगे। उसमें कुछ भी नया नहीं होता है। जैसे आयरनिंग इज सच अ टीडियस जॉब, आयरनिंग मतलब इस्त्री करना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। आई डोंट लाइक टीडियस वर्क्स। टीडियस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो बहुत लंबा चलता है, लॉन्ग चलता है, उसे भी टीडियस कहते हैं। तो मुझे ऐसे वर्क्स पसंद नहीं है। शैबी, शैबी मतलब फटा पुराना, ओल्ड एंड इन बैड कंडीशन। आई सॉ अ गर्ल वेयरिंग अ शैबी फ्रॉक, मैंने लड़की को देखा, वो लड़की ने शैबी फ्रॉक पहना हुआ था, फटा पुराना। डे बाय डे, दिन पर दिन। डे बाय डे ही बिकेम स्ट्रॉन्गर, वो दिन पर दिन स्ट्रांग होता गया, ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश डे बाय डे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिन पर दिन आप फ्लुएंट बन जाओगे। प्रैटल, प्रैटल यानी बकबक करना। स्टॉप प्रैटलिंग यानी बकबक करना बंद करो। शी कीप्स ऑन प्रैटलिंग, वो बकबक करती रहती है, मतलब चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आप ऐसा कह सकते हो शी कीप्स ऑन प्रैटलिंग, या आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो शी प्रैटल्स ऑन एंड ऑन, मतलब बंद ही नहीं होती है, बकबक करती ही रहती है। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई है या बहन है। सिबलिंग एक कॉमन जेंडर है, वो भाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहन के लिए भी यूज़ करते हो, बट वो कज़िन सेंस में नहीं आएगा, वो ब्लड रिलेशन ही है, और कोई भाई नहीं, सिर्फ ब्लड रिलेशन। भाई बहन है लेकिन ब्लड रिलेशन के। ओके, आई एम द यंगेस्ट ऑफ फोर सिबलिंग्स, हमारे चार भाई बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। आई हैव टू सिबलिंग्स, मेरे दो भाई बहन हैं। दो भाई है या दो बहन है, या तो भाई बहन कुछ भी होगा, लेकिन टू सिबलिंग्स है। नाउ हियर वी कम विद द लास्ट वर्ड। अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप कमेंट तो कीजिए, साथ साथ में आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स पे, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करके आप अच्छा वोकैब पावर गैदर कर सकते हो, और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, राइट। स्टन, स्टन यानी चौंका देना, अचंभित करना। शी स्टन्ड एवरीवन बाय हर परफॉर्मेंस, सबको चौंका दिया उसने उसकी परफॉर्मेंस से। ही स्टूड स्टन्ड, वो एकदम अचंभित रह के खड़ा हो गया, मतलब ही स्टूड स्टन्ड। यू स्टन्ड मी, तुमने मुझे चौंका दिया, तुमने मुझे एस्टोनिश कर दिया, आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, यू एस्टोनिश्ड मी, यू एस्टोनिश्ड मी।
आपने ये सारे वर्ड्स का जो इस्तेमाल देखा सेंटेंसेस में, आप वो सारे सेंटेंसेस खुद से बोलने का ट्राई करो, वर्ड्स के मीनिंग लर्न बाय हार्ट करो, और वो सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली मिरर के सामने खड़े रह के बोलोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, इंग्लिश में फ्लुएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। और जब भी आप फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रहे हो, तो इनको इस्तेमाल करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैं बहुत जल्दी ऐसा दूसरा वीडियो लेके आऊँगी आपके बीच में। थैंक यू सो मच।